नमस्कार, मैं जूली चंद्रा स्वागत करती हूँ बिहार के अपने चैनल द फुल वॉल्यूम में। द फुल वॉल्यूम में आज हम पहुँचे हैं गांधी मैदान में स्थित बापू सभागार में, जहाँ नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 14वीं दीक्षांत समारोह आयोजन किया गया है। आइए जानते हैं कि किन छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई है और किन छात्राओं को गोल्ड मेडल से नवाजित किया गया है। मौजूद है वो छात्र जिन्हें गोल्ड मेडल प्रदान किया गया है, जिन्होंने अधिक से अधिक उत्तीर्ण नंबर लाकर गोल्ड मेडल प्रदान किया। आइए इनसे बात करते हैं। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर कुमारी रश्मि प्रियदर्शनी हुआ। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है, कारण कि मैं खुद इंग्लिश में प्रोफेसर हूँ। मगध विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध महिला कॉलेज में मैं इंग्लिश की प्रोफेसर हूँ, और मेरे लिए हिंदी विषय में टॉप करना अपने आप में बहुत ही गर्व की अनुभूति है। और मैंने स्नातकोत्तर इंग्लिश में भी जो है टॉप किया था, और ये भी एक मतलब टॉपर का, ये तो मेरे लिए बहुत ही गौरव का विषय है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी हिंदी भाषा के लिए हमारी सरकार भी काफ़ी प्रयत्न करे, ताकि उसका संवर्धन हो और हम सभी इसके विकास के लिए आगे आएं। मेरा नाम विजय कुमार, मैं मगही का गोल्ड मेडलिस्ट। हमारा ये लगल कि मगही हमार अपन पुरान भाषा है, जेकर स्थिति अब थोड़ा धीरे धीरे नाजुक होल चलल जाए। काहे ना अपन आदि भाषा जे है सा मागधी मूल भाषा, कच्यान जैसन महर्षि बोलन है, उनकर सपना के साकार कैल जाए। अब बाकी जितना हिंदी है, ब्रजभाषा है, अवधि है, ये सब तो मगही से निकलल है, सब ये मगही के शाखा है। तो हमरा मन में ये विचार आयल कि काहे ना हम मूले भाषा के पकड़ी, जे मगध के एक शान शौकत रहल है, आ एकर इतिहास इतना पुराना है कि देशे ना विदेश के लैकन भी जे यहाँ पढ़े आवा हलन, उनका मगही में ही पढ़ावल जाहल, तो ओकर पुरान गौरव फिर से लौटे। आ हमने जितना ही मगध क्षेत्र के लोग ही ओकर दायित्व बना है कि अपन पुरान भाषा के फिर से जागृत करें, मूल के पकड़ें, विलुप्त होइत संस्कृति के फिर से जगावे के प्रयास करें। साथ मौजूद है नालंदा खुला विश्वविद्यालय की छात्राएं जिन्हें डिग्री प्रदान की गई है। आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम मीनू हुआ। मैम, ये जो डिग्री प्रदान की गई है, ये काफी गर्वांगित वाली बात है, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस बात की कि फाइनली मैं जो हूँ वो मास्टर कर चुकी हूँ, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि एक मैरिड पर्सन के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है, खासकर महिलाओं के लिए। और मेरे फादर्स और मेरे जो हस्बैंड हैं वो मुझे फुल सपोर्ट करते हैं, और आज मुझे बहुत खुशी है इस बात की। मैम, ये जो मिला है अंगवस्त्र और पगड़ी, पहले तो मतलब कि कोट मिला जाता था, अभी ये अलग थोड़ा यूनिक मिला है, तो इसके लेकर आप क्या कहना चाहेंगी, कैसा लग रहा है आपको? देसी वाला फीलिंग आ रहा है इस, मतलब ये पगड़ी पहन के मतलब एक बहुत खुशी महसूस हो रही है कि बहुत कुछ मिल रहा है, कुछ एक समारोह में आने का मौका मिला, एक अलग फीलिंग है। मतलब इसको शब्द में मतलब डिस्क्राइब करना बहुत छोटा हो जाएगा, कुछ बहुत बड़ा ही फीलिंग है। सभ्यता का प्रतीक भी माना जाता है, अपना सभ्यता संस्कृति, हाँ उसका एक ये हो रहा है, फैलाव हो रहा है कि हाँ हमारा सभ्यता संस्कृति इस तरह का था। इससे ये समझ, और हमारे बच्चों को ये सब समझ में आएगा कि हाँ ये अंग वस्त्र क्या होता है, ये तो समझ भी नहीं पाएंगे ना हमारे बच्चे कि ये क्या होता है, वो तो गाउन और वो हैट वो सभी देख समझ रही है। तो ये सब चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब अंदर से खुशी महसूस हो रही है।
थैंक यू सो मच मैम। हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं जिन्हें डिग्री प्राप्त की गई, आइए इनसे जानते हैं कि ये इस चीज़ के लिए कितनी एक्साइटेड है और कैसा फील हो रहा है इन्हें ये डिग्री मिल पाकर। मैम आपका नाम? मेरा नाम सोनाली श्रीवास्तव है। मैम ये जो उपाधि आपको मिली है, जो डिग्री मिली है मास्टर की, ये अपने आप में काफ़ी गर्वांकित वाली बात है, तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने पीजी किया और ये एक मास्टर कोर्स है, ऊपर से नालंदा से किया, इतने अच्छे से यहाँ पे जो भी है प्रोग्राम होते हैं वो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। मैम ये जो मिला है डिग्री के साथ साथ ये जो मिला है पगड़ी और अंग वस्त्र, ये अपने आप में काफ़ी यूनिक है, तो इसे पाकर आपको कैसा लग रहा है? देखिए इसको देख के तो लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, जैसा लग रहा है कि हम सच में हमने कुछ वैसा किया तभी हमें पगड़ी और ये अंग वस्त्र मिला है, और ये लेकर बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए सभी को पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। तो ये था नालंदा खुला विश्वविद्यालय के 14वीं दीक्षांत समारोह, जहां छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई है और जो छात्र वेस्ट नंबर से पास हुए उन्हें गोल्ड मेडल से प्रदान किया गया है। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।